मसरक में लगातार कार्रवाई हो रही है इस घटना के बाद से, लेकिन स्थानीय लोगों की बड़ी शिकायत थी कि लगातार इस इलाके में शराब बिक्री होने की सूचना प्रशासन को दी जा रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन को सूचना नहीं दी जा रही थी? प्रशासन सब कुछ जानता है, प्रशासन ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं जानता है कहाँ शराब बिक रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन कार्रवाई कहाँ हो रही है। ये आज लगभग 50 आदमी के मरने के बाद आज जो प्रशासन रेस है, पहले से रहता तो इतना घटना ही नहीं होता, इतना हृदय विदारक घटना। अच्छी बात है कि इतने लोग मिले, अलग अलग पंचायत के मिले, तो कहीं कोई क्या कोई खास जगह से पीकर निकले थे? कैसे कहाँ से पी के निकले थे, कहाँ से नहीं गई तो बताने मुश्किल है। लेकिन जब दारूबंदी है बिहार में तो दारू आ कहाँ से रहा है, जब इसमें प्रशासन संलिप्त नहीं है तो आ कहाँ से रहा है, कैसे आ रहा है? यहाँ पे नीतीश कुमार कहते हैं कि हम दारूबंदी करा दिए हैं। नियम तो अगर देखा जाए तो ये जो मौतें हुई हैं, मौत नहीं है, हत्या है, और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे FIR होना चाहिए। क्योंकि दारूबंदी का आप श्रेय लेते हैं तो उससे होने वाली हत्याओं का श्रेय कौन लेगा? हम तो नहीं लेंगे, उनको लेना चाहिए, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सब चीज़ में पलटी मारते रहते हैं, इसमें पलटी मारने में दिक्कत है, दारू चालू कर देने में क्या दिक्कत है? जब दारू आपसे बंद नहीं हो रहा है तो चालू कीजिए, रेवेन्यू का भी तो लॉस है ना बिहार को। ये बताइए, इधर दारू बिकता है को? हम तो ना पी ले ना कुछ, हम कैसे का कह सकते, लेकिन रहुए इलाके में इतना मौत हो गई। अरे भाई, तो मान लीजिए हम मैंने शाकाहारी, शाकाहारी हो तो हम ना खाई ले, हमरा के हम जहाँ जाए लेते हैं वो ऐसा आदमी तो हम देख के उठ जाइए, हम बोलबो ना करी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।